नमस्ते 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 गाइस। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले माइनक्राफ्ट, एंड माइनक्राफ्ट के अंदर आज मैं बनाने वाला हूं एक कार्टून कैरेक्टर जिसका नाम है, आपने बचपन में देखा होगा, स्पॉन्जबॉब, जो कि ऐसा रहता है डब्बे जैसा। तो आज हम लोग वही बनाने वाले माइनक्राफ्ट के अंदर, देखते हैं यार कैसा बनता है। वेल यार, इस वीडियो को बनाने में मेरे को सीधे मैं बता रहा हूं 2 से 3 घंटे लगे, तो आप लोग 20 लाइक पूरे करा देना। तो बिना गैप वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट एपिसोड में मैंने बनाया था नोबिता, उसको भी देख जरूर से लेना। लेट्स गो। तो यार वेलकम बैक टू एटेक वर्ल्ड। तो यार चलो यार हम लोग बताते हैं कि हम कहाँ पर बनाने वाले हैं हमारा स्पॉन्जबॉब। तो पहले इन दो शिप को मार देता हूँ, थोड़े बहुत वूल भी मिल जाएगा और फूड भी मिल जाएगा। लेट्स गो। तो चलो यार मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर बनाने वाले हैं हमारा स्पॉन्जबॉब। तो यार सीधा यहाँ से बीच में से सीधा एंटर करते ही हमारा स्पॉन्जबॉब बनेगा इस जगह पे। यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना कर रख दिया जिससे हम लोग वहाँ पे अच्छे से शो कर पाए कि ये हमारा स्पॉन्जबॉब है और इन दोनों के बीच में रहेगा तो बहुत सही दिखेगा। तो लेट्स गो। तो मुझे स्पॉन्जबॉब बनाने के लिए ना जोड़े बहुत कंक्रीट लगेंगे कलर कलर के। तो कंक्रीट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं लगता, कंक्रीट पाउडर लगता है। तो कंक्रीट पाउडर बनाने के लिए मेरे को चाहिए सैंड, ग्रेवल और बस। हाँ, सैंड और ग्रेवल। तो सैंड और ग्रेवल लेने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा एक कोई आइलैंड के ऊपर जहाँ पे मेरे को बहुत सारी सैंड और ग्रेवल मिल जाए। तो लेट्स गो, फटाफट से बोर्ड बनाता हूँ और निकलता हूँ अपने सैंड एंड ग्रेवल कलेक्ट करने के लिए। मैंने भटाक से बनाई बोट एंड निकल गया मैं सीधा अपने लिए कोई आइलैंड ढूंढने के लिए। और कुछ ही देर चलने के बाद मेरे सामने मुझे दिखती अपनी मंजिल जहाँ पे बहुत सारी सैंड। तो फिर क्या, मैं उतर जाता हूँ मंजिल के ऊपर और कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ अपनी बहुत सारी सैंड, मतलब बहुत ही ज्यादा। लेट्स गो। तो यार गाइस फाइनली मैंने बहुत सारी सैंड कलेक्ट कर लिया। आप लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत 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 ज्यादा सैंड कलेक्ट कर लिया और देख भी सकते हो यार कितने गंदे तरीके से बहुत सारी सैंड बची भी है। तो लेट्स गो, बिना घर सीधा निकलना हमें हमारे घर की तरफ, क्योंकि सैंड तो मैंने कलेक्ट कर लिया, वैसे ही ग्रेवल भी कलेक्ट कर लूंगा। पर मेरी बोट किधर गई बे? बोट किधर गई भाई? भैंस की टांग बोट। हाँ, दिख गई भाई फाइनली। मेरे को लगा मैंने इधर छोड़ के तो नहीं भाग गया और कितर गायब हो गई यार, किसने लेके भाग गई। लेट्स गो। तो निकलते हैं सीधा अपने घर के तरफ। भैंस की टांग पलट। हाँ लेट्स गो। तो अबे यार मेरे को बोट ही नहीं चलाना आता है भाई ढंग से। लेट्स गो। तो चलो यार फटाफट से पहुंचता हूँ मैं अपने घर की तरफ और भाई वहां से फिर घर पे जाऊंगा, ये सब सैंड रखता हूँ और फिर से आता हूँ वापस एंड ग्रेवल कलेक्ट कर फिर आपसे मिलता हूँ मैन पूरे के पूरे कंक्रीट पाउडर बना के। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को जितने भी कलर के जो कंक्रीट के ब्लॉक है उसकी जरूरत ही मैंने बना लिया। एक बार मैं चेक करता हूँ कि अगर हम एक ब्लॉक कोई रखे और पानी डालते तो बन जाएगा। हाँ लेट्स गो। तो मुझे यही चाहिए था जो कि है कंक्रीट का ब्लॉक। तो लेट्स गो। तो मैंने सारे के सारे कलर जो कि मेरे को चाहिए थे वो सारे के सारे कलर का बना लिया। अभी तो थोड़े बहुत कम है क्योंकि मैंने आधे ऑलरेडी बना कर भी रखे है, जो कि आपको पता ही होगा यार नोबिता और शिनचान बनाने में कितने सारे बच गए हमारे पास ब्लॉक। तो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे स्पॉन्जबॉब बनाना। आपको दिखा भी देता हूं, इसमें भी है हमारे थोड़े बहुत। तो पहले थोड़े बराबर कर लेता हूं जितने मेरे को चाहिए अभी, लाइक ब्लैक कलर के चाहिए उसके जूते के लिए। तो लेट्स गो, जूते के लिए ब्लैक कलर का सिलेक्ट करता हूं एंड ब्लैक कलर वाले सारे के सारे अभी लेके जाता हूं साथ में, क्योंकि अभी सिर्फ पहले जूता ही तो बनाना है और फिर बाद में बाकी सब कुछ हमें बनाना है। तो लेट्स गो। चलो यार ऊपर जाता हुआ ना, ऊपर जाके फटाफट से रख देता हूँ। हाँ तो लेट्स गो, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं जूता बनाना। हाँ ठीक है ना, ये बराबर जगह है। तो लेट्स गो, फटाफट से इसको यहाँ पे रखते हैं। 1 2 3 4 बे यार दिख तो कुछ भी नहीं रहा है यार मेरे को, थोड़ा बहुत मेरे को अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, जूते का पूरा काम निपटाता हूँ, जूता और जो पाव है बस, क्योंकि वो बहुत छोटी मोटी बात है तो वो सब मैं फटाफट से निपटाता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने उसके जूते और पाव का काम निपटा दिया। आप लोग साइड में फोटो देख सकते हो जो कि मैंने लगाई हुई है। तो अभी हमें फाइनली बनाना है उसका जो पैंट के नीचे का चीज है, पैंट के नीचे भी कुछ तो भी चीज है वो बनानी है, फिर उसके बाद पैंट को बनाना है। तो उसके लिए बहुत ईजी है, बस यही 1 2 3 4 बाहर के तरफ निकलते हुए ब्लॉक्स को पूरे लगा देना। लेट्स को लगाता हूं मैं फटाफट से, इसको इधर एंड इसे इधर। हां बढ़िया, लेट्स को इसको भी लगाता हूं एंड इसे भी लगाते हैं। लेट्स को। तो ये चीज हमारी इस साइड की हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत ब्लॉक ऊपर करके यहाँ से ही शुरू कर देता हूँ पैंट भी बनाना और उस साइड पहुंच के फिर ये सेम टू सेम उधर भी बना दूंगा। लेट्स गो। तो इसको बढ़ाता हूँ ऊपर के साइड में जितना मुझे बढ़ाना है, अंदर का छोड़ो यार, अंदर खोखला भी रह गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट
अच्छा दिखने के लिए अच्छा दिखना ही तो क्या है भाई, पर डेक लेके भरना होगा तो भर देते हैं। लेट्स गो, इसको भी इधर से कर देते हैं एंड इसे भी कर देते हैं, लेट्स गो। तो चलो यार भर ही देते हैं ना, क्या जा रहा है अपना। मेरे को क्या पता था भरने के चक्कर में यार मेरे पूरे ब्राउन कलर के ब्लॉक्स ही वेस्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, लेट्स गो, इन्हें भी भरता हूँ फटाफट से, लेट्स गो। तो अभी कुछ नहीं करना, एक ब्लॉक हमें जो है आगे के साइड लेना है। आप भी देख लो, आपको भी बनाना होगा तो आप बना सकते हो इसी देख के। लेट्स गो, तो एक ब्लॉक आपको आगे की तरफ देखना है, लेना है एंड फिर डबल से सेम टू सेम बनानी है चीज। लेट्स गो, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं एंड इसे भी इधर कर देते हैं फटाफट से। सेम इस साइड भी शुरू करना पड़ेगा, एक लाइन, पूरी लाइन बनाना शुरू करता हूँ मैं। पैंट का काम पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं, आप करो सिनेमैटिक इंजॉय। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो हमारा पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी बस हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट करना है। तो पहले चलो यार जाते हैं एंड पहले सो जाते हैं और फिर सुबह उठने के बाद मैं वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दूंगा यार। स्क्वायर वगैरह आपको दिखाने जाऊंगा ना, फिर मेरे फोन में स्टोरेज नहीं रहती। वेल मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा साइड में कि मैंने सच्ची में सर्वाइवल से किया है भाई। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं क्रिएटिव से करूंगा? हाँ, एक बंदे को लगता है कि मैं क्रिएटिव से करूंगा, उसके लिए मैं स्पेशली वो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। तो लेट्स गो, ऊपर साइड क्लियर चढ़ते एंड अभी यार कितना सही दिखेगा ना इन दोनों के बीच में से। लेट्स गो, तो चलो सीधा जाते हैं एंड येलो तो ब्लॉक हमारे पास पूरे अवेलेबल है ही, तो लेट्स गो ऊपर साइड जाता हूँ एंड बनाना शुरू, बना के कंप्लीट करता हूँ मैन, क्योंकि छोटा ही साइज काम है। तो बना के कंप्लीट करता हूँ हमारे स्पॉन्ज बाबू को। अभी आपके सामने पेश है आपका फेवरेट, आपका ब्यूटीफुल स्पॉन्ज बॉब। उसके लिए आपको करना पड़ेगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेट्स गो, तो चलो यार आप भी चलो मेरे साथ एंड देखो हमारा स्पॉन्ज बॉब बना है तो बना कैसे। लेट्स रिवील इट मैन, बस कुछ ही सेकेंड और एंड देखो यार हमारा स्पॉन्ज बॉब कितना क्यूट लग रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। भी के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय गाइस।